क्या बोल रहे क्या बोलूं जो बोल रहे ठीक है इसमें मतलब हम लोग अंदर हल्के जाएंगे इतना पानी है अभी हम लोग नदी के एक पार्ट को पार करके बीच में बहुत लंबा पार्ट ऐसा था जिसमें ये खेती हो रही है तोड़ाई कर रहे हैं ट्रैक्टर लगा करके और सब चीज़ें और धीरे धीरे करके हम लोग इतनी लंबे 9:27 से चले और इस समय हो रहा है लगभग आप टाइम देख सकते हैं 10:35 हो रहा है और हम लोग नदी के एक बीच में और एक पार्ट्स है इस नदी का उस वहाँ तक आए हैं और ये जो आगे का हिस्सा दिख रहा है इसमें ज़्यादा गहराई तो नहीं है लगभग 3 फुट के आसपास पानी होगा और ये दूर तक लंबा पार्ट है ये भी पैदल भी पार किया जा सकता है लेकिन इसके अंदर दलदल है अगर जाएंगे तो यहाँ पर धंसने का दबने का डर है और यहाँ पर ये देखिए एक सारस पक्षी है जो घायल होकर यहाँ आया हुआ था यहाँ पर लोगों ने इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश की पानी वगैरह भी पिलाया लेकिन बच नहीं पाया और यहीं पर एक्सपायर हो गया और यहाँ पर पक्षियों की भी आवाज़ आ रही है जैसे डक टाइप की पक्षियाँ हैं पता नहीं मैं नाम नहीं जानता उनका लेकिन उनकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है पानी के अंदर हैं वो और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद नदी का पानी इतना यहाँ पर क्लीन है साफ है कि अंदर का हर एक चीज़ घास या कोई और चीज़ पड़ा है पत्थर का कोई टुकड़ा है मिट्टी है ढेल है या कुछ भी इसके अंदर है वो सब बड़ा क्लियरली इसमें दिखाई दे रहा है और बड़ा इजी तरीके से मतलब कोई भी देख सकता है कि इसके अंदर क्या है हम इस समय जहाँ पर हैं यहाँ से कई किलोमीटर वेस्ट साइड में हम पूरब की तरफ हैं लगभग यहाँ से पश्चिम दिशा में काफ़ी कई किलोमीटर तक का जिसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता वहाँ तक पूरा का पूरा ऐसा ही एरिया है ऐसे ही बहुत जगह खेती हो रही है बहुत जगह लोग अभी नहीं कर रहे हैं ऐसे पड़ा हुआ है जंगल टाइप का है उसमें अलग अलग तरीके के तरह तरह तरीके के जानवर भी बता रहे हैं देखे गए हैं यहाँ तक कि टाइगर्स भी देखे गए हैं बाकी और जंगली जानवर भी हैं तो अभी हम लोग और आगे नहीं जा पाएंगे इससे क्योंकि आगे का एरिया पार करने के लिए अभी इसको पार करने के लिए और आगे जाना पड़ेगा जहाँ से एक थोड़ा सा ऐसा रास्ता है जहाँ से लोग अक्सर पार किया करते हैं इसको और उसके बाद फिर रेत आएगी रेत लगभग आधा घंटे के आसपास उस रेत में चलना पड़ेगा उसके बाद फिर हम फिर ऐसे ही एरिया में पहुँच जाएंगे कितना होगा आगे रेत के बाद 75 कट्ठा मतलब अरे काफ़ी एरिया बहुत बड़ा काफ़ी एरिया उसके बाद भी हमें देखने को मिलेगा लेकिन हम अभी उधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि आगे काफ़ी दूर जा करके फिर उसका एक वे बना हुआ रास्ता बना है और हम फिर अब कुल मिलाकर के मैं बात करूं अगर 9:27 से हम लोग चले हैं और 10:40 हो रहा है इस समय तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर कंटिन्यू इतना चलने के बाद ये कितना बड़ा पार्ट हो सकता है एक हम सिर्फ एक साइड चले हैं अभी लगभग इतना ही हमें और आगे जाना पड़ सकता है जाएं अगर चाहें तो जा सकते हैं लेकिन अभी टाइम नहीं होता जाने का बाकी ये तो चौड़ाई की बात है लंबाई कहाँ तक है पता नहीं क्योंकि हम लोग जिस नाव से आए हैं उस नाव से और भी लोगों को आना है तो हम लोग फिर उसी दिशा में वापस जा रहे हैं ताकि हम नाव को सेकंड साइड ले जाएं और लोग भी उस पर बैठ करके इस तरह पा सकें ताकि ये जो कटाई का काम हो रहा है घास का वो किया जा सके